हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अवी। ओके, सो स्टार्ट करते आज का चैप्टर जिसका नाम है हम लोग का हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स में आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आती है, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो ये तीन चीज के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। ओके, सो इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग, ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, सो सबसे पहला देखते हैं हम लोग का नेचर ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। सो इसके अंदर जो हम लोग का इंटर मोलिकुलर फोर्स है, ये जो कार्बन टू हेलोजन, अभी ये हेलोजन कौन से यहाँ पे हेलोजन एक्स के जगह पे क्या क्या हो सकता है हम लोग का, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। तो ये केसेस में क्या होगा, इसके अंदर ये कंपाउंड के अंदर जो निगेटिव वाले हैं, जैसे ये हेलोजन्स, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसके वजह से ये एटम के अंदर क्या जनरेट होगा, पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, एटम के अंदर ही क्या जनरेट होगा, पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसके वजह से क्या होगा, ये जो कार्बन का सारा इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, समझ आए। ओके, लेकिन इस केस में हम लोग का मोस्ट ऑफ टाइम जो एटम रहता है जो बनाता है, दैट इज क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो जो हम लोगों का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इस केस में, कार्बन और ये जो हेलोजन है, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग होता है हम लोग का इस केस के अंदर, वो किस तरह का बॉन्डिंग हो जाता है, हम लोग का पोलार बॉन्ड बना देता है, क्या बना देता है, पोलार बॉन्ड। ओके, सो इस केस में, हेलोजन के केस में, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है वो किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, पोलार बॉन्ड बनाएगा। ओके, सो ये था हम लोग का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो हम लोग का कार्बन टू हेलोजन किस तरह से होता है। ओके, सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से क्या क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ CH3F की बात करूँ, तो इस केस में जो हम लोग का बॉन्ड लेंथ रहता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल रहता है। क्यों? बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है बहुत ही ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ, तो अपनी तरफ खींचेगा तो बॉन्ड इसका छोटा हो जाता है। और दूसरी बात करूँ अगर बॉन्ड लेंथ की बात, बॉन्ड लेंथ में, तो ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटम, इसका जो साइज रहता है बहुत ज़्यादा स्मॉल है। स्मॉल साइज के वजह से ये क्या हो जाता है, इसका बॉन्ड लेंथ स्मॉल हो जाता है। ओके, तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगा, इसका सबसे कम आएगा। अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, तो अगर बॉन्ड स्मॉल है, डिस्टेंस स्मॉल है, तो तोड़ने में क्या लगेगा, बहुत पावर लगेगा। सो बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगा, इस केस में इंक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हैं आपको। ओके, इसके वजह से इसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट भी बढ़ जाएगा। डाइपोल मोमेंट की तुम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, तो वही है डाइपोल मोमेंट का पूरा के। यहाँ पे देखते हैं हम लोग सेकेंड केस, तो यहाँ पे CH3Cl जो एटम है ये अटैच है। अभी क्लोरीन एटम का साइज एज कंपेयर टू फ्लोरीन क्या है, बड़ा है। ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो क्लोरीन एटम है उसका साइज फ्लोरीन एटम से क्या है, बड़ा है, जिसके वजह से ये जो हम लोग का एटम है इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सेकेंड थिंग, क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो इसके वजह से भी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो इसको तोड़ने के लिए पावर ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, आप बता सकते हैं। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन का एनर्जी कम लगेगा। ओके, समझ आए, अंडरस्टैंड। थर्ड वाला केस अगर देखते हैं ब्रोमीन के लिए, तो इसका एटम और भी बड़ा है साइज में, तो इसके वजह से इसका जो हम लोग का बॉन्ड लेंथ है वो और भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और आयोडीन के केस में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन एटम क्या है, बिगर इन साइज, बहुत बड़ा है, तो इसके लिए उसका क्या आ जाएगा, हम लोग का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें ब्रोमीन के केस में, तो क्या आ जाएगा, ब्रोमीन के केस में बॉन्ड एंथैल्पी हम लोग का क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, मतलब एनर्जी तोड़ने के लिए कम लगेगा। और सबसे कम किस में लगेगा, हम लोग का आयोडीन वाले केस में लगेगा, अंडरस्टैंड। तो ये था हम लोग का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो बॉन्डिंग बना रहा है एंड एंथैल्पी के ऊपर। ओके, स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम लोग का जो अल्काइल हैलाइड का है वो किस तरह से हम लोग का होता है। तो अगर बड़ा एटम है हम लोग के पास जैसे आयोडीन, तो इसका जो हम लोग हीट करेंगे तो इसको हीट करके बॉईल करने के लिए पावर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एटम का साइज़ क्या है आयोडीन के केस में, बड़ा है। सबसे इजीली कौन सा बॉईल हो जाएगा हम लोग का, फ्लोरीन, बिकॉज उसका साइज छोटा है तो इजीली क्या हो जाएगा, वो बॉईल हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है हम लोग का ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। ओके, आप यहाँ पे भी एग्जांपल में देख सकते हैं, पहला जो फ्लोरीन के साथ है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 194। ओके, क्लोरीन के साथ वाला देख सकते हैं कितना है, 248। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग का फ्लोरीन टू आयोडीन इधर बढ़ रहा है। तो समझ सकते हैं जो आयोडीन का साइज है वो बड़ा है, इसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या है, ज़्यादा है। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये था हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट में, हम लोग का अगर साइज बड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ओके, एक और चीज आता है, अगर हम लोग का एटम ही बहुत सारे एटम लीनियर वे में है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। ओके, और अगर ब्रांचिंग में रहेगा, सेम मॉलिक्यूल रहेगा लेकिन ब्रांचिंग में रहेगा, तो उसका कम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड, देखते हैं आगे। तो ये हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर अरेंजमेंट के हिसाब से। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं पहले वाले में एक ही कार्बन है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, कम है। ओके, कंपेयर कर लो सब में, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। दो अगर कार्बन आ गए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। तीन हो गए तो और भी क्या हो गया, बढ़ गया। चार आ गए तो और भी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते हैं, यही बात कर रहा था ना अभी, जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो वॉट, इंक्रीजिंग, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हेलोजन के केस में हम लोग देख सकते हैं, ब्रोमीन का केस ले लिया, अभी कार्बन एटम काउंट करो सब में सेम है, मैंने पहले ही ये भी चीज बता दिया। ओके, तो अगर मैं इसके अंदर बात करूँ कार्बन का, तो ये लीनियर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। लेकिन अगर इसको ही ब्रांचिंग में कर दूंगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। अब कैसे, मैं बताता हूँ आपको इसको एक्सप्लेन करके। जैसे कि पहला हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया तो ये निकला, यहाँ आ गया, ये निकला, दो तीन चार बार में ब्रेक हुआ। चलो अभी इसकी के ये केस में देख लेते हैं कैसा होगा, इसको एक ब्रेक किया, दो ब्रेक किया, ये एक ही बार में क्या हो गया, दोनों निकल गए, तीन बार, मतलब ये तीन बार में ब्रेक हो गया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, मतलब कम टाइम में ही ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ऊपर वाला चार में हो रहा था, इसमें तीन बार में ही हो जा रहा है, अंडरस्टैंड। तो मतलब अगर ब्रांचिंग में रह गया मॉलिक्यूल तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते रहेगा, डिक्रीज होते रहेगा, अंडरस्टैंड। तो देख सकते हैं यहाँ पे और भी ज़्यादा ब्रांच आ गया, जिसकी वजह से एक दो बार में ही क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। दो बार में ब्रेक हुआ मतलब क्या हो गया, एक ही बार में मॉलिक्यूल पूरा उड़ गया। ओके, सेकेंड टाइम में, तो ये क्या हो गया हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही अगर मैं लीनियर की बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और अगर मैं ब्रांचिंग की बात करूँ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अंडरस्टैंड। ओके, अभी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर पहला वाला केस देखूँ मैं, तो क्या है हम लोग का ये जो मॉलिक्यूल, ये पोलार मॉलिक्यूल है। क्या है, पोलार मॉलिक्यूल, ये बताया था। ओके, तो पोलार मॉलिक्यूल होने के वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वाटर भी क्या है, H2O भी क्या है, बताओ मेरे को, H2O भी पोलार मॉलिक्यूल है। तो पोलार होने के वजह से पोलार पोलार दोनों मिक्स नहीं होंगे, हम लोग को पता है दो सेम पोल रहता है तो कभी भी अटैक होता है क्या, नहीं होता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों हम लोग के क्या होंगे, मिक्स नहीं होंगे। ओके, अगर मैं सेकेंड केस देखूँ तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये अगर वाटर में हुआ सॉल्यूबल नहीं होगा, लेकिन इसको अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या हो गया, अल्कोहल हो गया,
ईथर हो गया, कीटोन हो गया, ये सब में अगर डाला कभी तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूबल हो जाएगा। ओके, तो अभी इसका सॉल्युबिलिटी, अभी इसका हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की। ओके, तो ये भी पहले जैसा ही है, लेकिन इसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, उसके हिसाब से हम लोग का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो अगर हम लोग का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, तो उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेबल है तो ब्रेक कर सकते हैं क्या, नहीं। तो हम लोग को पता है जैसे कि अगर पैरा पोजिशन पे कोई ग्रुप अटैच रहेगा तो वो क्या है, हम लोग का हाईली स्टेबल, तो उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, पैरा के बाद कौन सा केस आता है जो हम लोग का स्टेबल हो जाता है, हम लोग को पता है ऑर्थो पे थोड़ा होता है, तो ऑर्थो की वजह से ये क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ओके, अगर मैं बात करूँ किसकी, मेटा पोजिशन पे, तो अब हमको पता है मेटा पे रिएक्शन पॉसिबल होता ही नहीं है मोस्ट ऑफ टाइम। ओके, नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा करके हम लोग का मेटा पोजिशन पे जाता है, तो इस केस में हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है बता सकते हैं कोई? अगर पैरा पे रहेगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे रहेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, फिर कहाँ पे आएगा, मेटा पे। ओके, बट नाइट्रो के केस में थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मेटा आएगा फिर ऑर्थो आएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह का केस हो जाता है हम लोग का सॉल्युबिलिटी के में। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये है हम लोग का क्या, सॉल्युबिलिटी। अभी ये जो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक मॉलिक्यूल दूंगा, ये सारे मॉलिक्यूल है, ये एक हम लोग का क्वेश्चन करते हैं, तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करना है किसको, ब्रोमो फॉर्म को, क्लोरोमीथेन को, डायब्रोमोमीथेन को और ब्रोमो मीथेन को। ओके, तो अभी इसको अरेंज करेंगे तो बता सकता है कोई कि कौन सा पहले सब सब कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्लोरीन वाला होगा ऑब्वियसली कि ब्रोमीन वाला होगा, बताओ, क्लोरीन वाला होगा। ओके, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, क्लोरीन आएगा, फिर क्या आएगा, एक ब्रोमीन आएगा, फिर दो ब्रोमीन और फिर तीन ब्रोमीन वाला। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली क्या है हम लोग का, सबसे पहले क्या आएगा, CH3Cl, क्योंकि एक ही कार्बन है और एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन वाले का क्या होता है, कम होता है। अगर ब्रोमीन की बात करूँ तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है, इसकी वजह से बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही ब्रोमीन है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, दो ब्रोमीन अगर अटैच आएगा तो उससे कम रहेगा, अगर तीन ब्रोमीन रहेगा क्योंकि तीन बड़े बड़े ग्रुप आ गए उसको और भी ज़्यादा पावर लगेगा ब्रेक करने के लिए। सो दिस इज व्हाट अरेंजमेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अंडरस्टैंड। तो ये था हम लोग का कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ओके, अल्काइल और एरोमेटिक रिंग में। ओके, सो ये था हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा बता सकता है कोई? हम लोग ने पढ़ा इंटरमोलिकुलर जो हम लोग का बॉन्डिंग है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सेकेंड पढ़ा हम लोग ने बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पढ़ा हम लोग ने क्या पढ़ा, सॉल्युबिलिटी। ओके, तो ये तीन चीज़ें आज हम लोग ने पढ़ा है इसके अंदर, तो किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से कम होता है, आपको समझाइए। ओके, सो थैंक यू सो मच, ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।